हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। गाइस हमारे चैनल पर सबसे पहले गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन उसको ऑन कर ले ताकि आने नोटिफिकेशन वीडियो सबसे पहले गाइस आपको मिले। सो गाइस, जैसा कि मैंने अभी पोजीशन का हार्वेस्टिंग वीडियो बताया था जो कि 3 से 4 घंटा पहले, ठीक है, तो कैसे ये पोजीशन को और भी डबल प्रॉफिट कमाना तो इस वीडियो को देखना और प्रीवियस जो वीडियो है वो भी देख लेना, ठीक है, ताकि आपको सारा चीज़ आपको कन्फर्म हो जाए। आप चलिए जानते हैं कि आज का जो लूट मैं कवर करूँगा, 3-4 लूट कवर करूँगा। उसके पहले आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, बहुत सारा लूट बग ऑफर अपडेट आपको टेलीग्राम पे मिलते रहेगा। टेलीग्राम चैनल पे जैसे आओगे आप यहाँ पे चैनल पे ज्वाइन हो जाओ ताकि आपको जो भी लूट आए, जो भी अपडेट आए तो मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो गाइस, यहाँ पे बहुत सारा लूट बग ऑफर अपडेट टेलीग्राम पे देते रहता हूँ। जो भी छोटे टाइम के लिए लूट आता है, जो भी बड़े टाइम के लिए लूट आता है, तो वैसे ही आपको प्रॉफिट मिल सकता है। आज जानते हैं कि स्टेरा लूट की तरह एक और लूट आपको मैं बताऊंगा, तो कौन सा लूट है उसके पहले आपको स्टेरा जो इसके पहले मिला है वो भी कितना लोगों ने किया है, जिसके जितना प्रॉफिट हुआ था, कम से कम सभी को गाइज $200-300 का तो दबा के मिला था, ठीक है। आप प्रूफ मैंने खुद ही डाला था चैनल में, आप देखो यहाँ पर प्रूफ बहुत यूजर को मिला था। इस बार लूट को मिस मत करना, पहले बता दे रहा हूँ, ठीक है। कम से कम अच्छा कमाने का मौका मिला है। तो आइए चलते हैं, कैसे लूटना है, कैसे क्या करना, सारा प्रोसेस मैं आपको इस वीडियो में दूंगा, ठीक है। तो इस वीडियो को मिस मत करना। फर्स्ट लूट आई चलते हैं सबसे पहले। तो फर्स्ट लूट में करना क्या है, सबसे पहले मैं आपको एक लिंक दूंगा, ठीक है। तो गाइस यहाँ फर्स्ट लूट निकल के आ रहा है, यहाँ पे आपको मैं ट्विटर का लिंक डायरेक्ट दे दूंगा, ठीक है। तो आप इसको क्या करना, आप यहाँ से लिंक कॉपी कर लेना, जो मैं आपको लिंक दूंगा उसको लिंक कॉपी करके आप क्यू ब्राउजर ओपन कर लेना, ठीक है। क्यू ब्राउजर अपना ओपन कर लेना। तो सबसे पहले आप क्या करना, आपको मैं जो लिंक दूंगा फर्स्ट लिंक, उसको पहले लिंक को कॉपी कर लेना, ठीक है। मान लो इस तरह आपने लिंक को कॉपी कर लिया, लिंक कॉपी करने के बाद अपना क्यू ब्राउजर ओपन करना। अगर आपके पास क्यू ब्राउजर नहीं है, प्ले स्टोर पर जाना, सर्च करना क्यू ब्राउजर, ठीक है। क्रोम से मत करना, लिंक को यहाँ पेस्ट करना। आप क्यू ब्राउजर से पेस्ट करोगे आपका ये खुल जाएगा, यह थोड़ा वेट करना, खुल जाएगा। जैसे खुल जाएगा ट्विटर का पेज खुल जाएगा, ठीक है। अब देखो आपको पहले समझना है कि कौन सा कैसा लूट है, ठीक है। यहाँ पे नेक्सस प्रोटोकॉल की तरफ से लूट आ रहा है। अब देखो यहाँ पे क्या है, आपको इस एक ही लूट में दो लूट बताऊंगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 5 मिलियन टोकन PSI टोकन को यहाँ पे माइन करने पे, आपको जो भी माइन करेंगे, जो भी स्टेक करेंगे, माइन मतलब जो टोकन को माइन करना, मतलब कि जैसे कोई भी हम लोग ऐप में जैसे एक्सप्रेस का हो, बहुत सारा लूट का हो जिसको हम लोग माइनिंग करते हैं, ठीक है। जो भी उसके स्टेकर होंगे उनको, मतलब जो भी स्टेक करें उनको फायदा होगा। तो गाइस यहाँ पे 5 मिलियन टोकन को, यहाँ पे PSI टोकन को माइन करना। अब देखो क्या है, यहाँ पे आप app.pylon.money है, इसको आप क्या एक काम करना, इसको टैप करोगे ना, इसको टैप करो तो ओपन न्यू टैप का ऑप्शन आ जाएगा, ओपन न्यू टैप को खोल देना। जैसे ये खोलोगे आपका एक पेज खुल जाएगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जैसे कहा आ जाएगा आपका एक यहाँ पे खुल जाएगा। अब देखो करना क्या है, यहाँ पे आपको पहले वॉलेट कनेक्ट कर लेना होगा, ठीक है। यहाँ पे आपको वॉलेट कनेक्ट करने का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। तो आपके पास एक ऐप होना जरूरी है, वो कौन सा ऐप है मैं आपको लिंक दे दूंगा, सेकंड लिंक करके होगा, स्टेशन करके होगा, ठीक है। ये पहले से सभी के पास होगा, जो न्यू यूजर मेरा वीडियो देख रहे हैं तो वो ऐप इनके पास नहीं होगा। आप इसका लिंक मैं दे दूंगा, प्ले स्टोर पर डाउनलोड कर लेना, इसमें अकाउंट बना लेना, ठीक है। जैसे आप अकाउंट बना लोगे इसको छोड़ देना, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर वॉलेट कनेक्ट करने का ऑप्शन आएगा, इस पर टैप करना, ओपन स्टार्ट टेरा ऑप्शन आएगा। अब जैसे अकाउंट बना लोगे आपको ऑप्शन आ जाएगा इस पर, और ये डाउनलोड कर लेना स्टार्ट टेरा, ठीक है। पहले से बहुत लोगों के पास होगा, जैसे आप डाउनलोड कर लोगे इसमें वॉलेट कनेक्ट कर लोगे, अलाउ कर लोगे, आपका ये वॉलेट कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। वापस आप इस क्यू ब्राउजर में आना, जब आपको वॉलेट कनेक्ट हो जाएगा तो आपका यहाँ पे एड्रेस आपके यहाँ शो करने लगेगा, ठीक है। अब देखो इसमें आपको कम से कम गाइज $2-3 आपको रखना पड़ेगा, $2-3 आपको रखना पड़ेगा, आपके पास होगा ही। सबसे पहले आप क्या करना, अपना ट्रस्ट वॉलेट खोलना, अपने ट्रस्ट वॉलेट में कम से कम अपना BNB रखते हो, इसलिए मैं बोलता हूँ BNB रखा करो। देखो मेरे पास 200 रुपये का BNB है, अब इसी का मैं बाय करूँगा USDT टोकन, ठीक है। अब कैसे बाय करना है, आप एक काम करना, डायब्राउजर खोलना, डायब्राउजर में पैनकेक खोलना, पैनकेक खोलने के बाद यहाँ पे आपका सर्च हो जाएगा, और यहाँ पे आप एक काम करना, आपको बस $2-3 का USDT खरीदना है, कोई ज़्यादा नहीं खरीदना, बस ज़्यादा पैसा भी है तभी आपको $2-3 खरीदना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे BNB है, इसको नीचे करो, ऊपर में USDT करो, यहाँ पे सर्च पाना, यहाँ सर्च पे आओ, यहाँ पे सर्च करना USDT, ठीक है। तो आपका USDT आ जाएगा, नहीं आएगा तो कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस डाल के सर्च कर लेना, ठीक है। यहाँ पे USDT पर टाइप करते हैं और आपको ऊपर में BNB है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आपको कम से कम कितना का बाय करना है, ऊपर में BNB कर देना, यहाँ पे कम से कम दो USDT का वैल्यू कितना होता है, डॉलर में होता है, ठीक है। तो इतना भी उतना ही वैल्यू होता है, $1.74 होता है। अब देखो स्वैप कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कन्फर्म स्वैप पर टाइप कर देता हूँ,
और कंफर्म स्वैप पर टैप कर दिए और यहाँ पर आपका ये स्वैप हो जाएगा और आपको यूएसटी टोकन मिल जाएगा। ठीक है, ये सबसे आसान तरीका कम फी में बाय करने का। अगर आपको बाय करना है तो कुकवाइन से बाय कर सकते हो, $4 का फी लगेगा, ये सबसे कम तरीका है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आप बाय कर लोगे तो अपना यूएसटी आपका ऊपर आ जाएगा। मैं आपको सर्च करके दिखाता हूँ यूएसटी कहाँ है मेरा। ठीक है, यहाँ पर मेरा यूएसटी आ गया। अब देखो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा यूएसटी टोकन, मैं नीचे से लाइट कर, देखो यहाँ पर यूएसटी टोकन आ गया। ठीक है, यहाँ पर आकर मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ इसको, तो यहाँ पे अभी आया नहीं है, एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। हाँ देखो $3 का USDT टोकन आ गया। ठीक है, 246 का। अब देखो क्या करना है आपको, यहाँ पे सेटिंग में आना है और वॉलेट पर टैप करना है। ठीक है, और यहाँ पे थ्री डॉट पर टैप करना है, थ्री डॉट पर टैप करोगे ना, थ्री डॉट पर टैप योर सो रिकवरी फ्रेज, इसका कॉपी कर लेना, रिकवरी फ्रेज सेव कर लेना। ठीक है, अपना कॉपी कर लेना। कॉपी करने के बाद आप क्या करना, क्यू ब्राउज़र खोलना। ठीक है, क्यू ब्राउज़र खोलने के बाद थ्री डॉट पर टाइप करना, मेटामास्क का एक्सटेंशन होगा आपके। ठीक है, नहीं होता ऐड कर लेना, मेटामास्क खोलना। मेटामास्क खोल लोगे, मैं अपना पासवर्ड डाल लेता हूँ। यहाँ पे अपना जो फ्रेज की है यहाँ पे अपना आकर सेव कर लेना। ठीक है, यहाँ पे आओगे, यहाँ पे इंपोर्ट यूजिंग सीक्रेट फ्रेज की, इस पर आना। ठीक है, और यहाँ पे अपना फ्रेज की जो ट्रस्ट वॉलेट का कॉपी की हो यहाँ पे पेस्ट करना, पासवर्ड डालना। ठीक है, और यहाँ पे अपना कंफर्म पासवर्ड करना, आपका यहाँ पे ये जो ट्रस्ट वॉलेट का अकाउंट है आपका यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, मेरा ऑलरेडी है, मैं अपना पासवर्ड डाल के खोल लेता हूँ। देखो अपना फ्रेज की अपना मेटामास्क में कनेक्ट कर लिया और मेरे पास यहाँ पे ऑलरेडी पहले से 0.18 BNB पड़ा हुआ। ठीक है, अब देखो करना क्या है, आना यहाँ पे आपका जब वॉलेट कनेक्ट हो जाएगा आपके अकाउंट में, जब फी आ जाएगा आपका वॉलेट यहाँ कनेक्ट हो जाएगा, अब आपके अकाउंट में फी आ जाएगा। अब देखो करना क्या है, मैं आपको एक और लिंक दूंगा। ठीक है, ब्रिज का लिंक दूंगा जहाँ से आप यूएसटी आपको मिल भेजना होगा। ठीक है, ब्रिज का जो लिंक दूंगा यहाँ पे आपको मिलेगा ट्रस्ट वॉलेट में, आपको टेलीग्राम पे मैं दे दूंगा ब्रिज का लिंक दूंगा ताकि आप स्वैप करना। ठीक है, यहाँ पे सीनियर पर टैप करना और मैं ब्रिज का लिंक दे दूंगा। ठीक है, ब्रिज का लिंक दे दूंगा। पहले देखो पहला स्टेप क्या करना है आपको, तो पहले वॉलेट कनेक्ट कर लेना है, स्टार्ट कर रहा तो वॉलेट कनेक्ट कर लेना। दूसरा आपको यूएसटी स्वैप करना है पैनकेक से, और तीसरा आपको ब्रिज से आपको स्वैप करना है। ठीक है, अब देखो क्या करना है, यहाँ पे आ जाओगे, यहाँ पे आपका ये खुल जाएगा। ठीक है, जैसे ये खुल जाएगा आपको यहाँ पे प्रोसेस होने दो पहले, तो जैसे ही आपका ये खुल जाएगा वेट कर लो थोड़ा सा, यहाँ खुल गया। ठीक है, अब काम करना आपको यहाँ पर कनेक्ट वॉलेट पर टैप करना। ठीक है, आपका कनेक्ट वॉलेट नहीं होगा, आपको क्या करना है, यहाँ पे टेरा होगा, यहाँ पे BSC करना। ठीक है, BSC का अगर आपका ऐसा ऑप्शन आ गया तो आप काम करना, एक थ्री डॉट पर टाइप करना और डेस्कटॉप साइट में खोल लेना। ठीक है, यहाँ पे आपका डेस्कटॉप साइट में खुल जाएगा, ये काम सारा काम आपको क्यू ब्राउज़र में करना है। ठीक है, जैसे ये कर लोगे तो यहाँ पे आपको ये देखो जूम कर लेता हूँ, यहाँ पे आपको टेरा होगा, यहाँ पे BSC कर लो, BSC करो तो यहाँ पे मेटामास्क का ऑप्शन आएगा, मेटामास्क का टाइप करना और यहाँ मेटामास्क का अपना पासवर्ड डाल लेना, आपका अकाउंट ये कनेक्ट हो जाएगा। उसके बाद मेटामास्क को जैसे खोल दोगे तो यहाँ पर आपका ऑप्शन आ जाएगा, आप देखो बैक आना आपको, आपको यहाँ पे आ जाएगा, तो आपका यहाँ वॉलेट कनेक्ट हो जाएगा। देखो आपका यहाँ पे एड्रेस शो कर रहा होगा, देखो ऊपर में कर रहा है ना, ऊपर में एड्रेस शो। अब देखो क्या करना है, यहाँ पे आपका BSC रहेगा, बगल में टेरा रहेगा। ठीक है, टेरा टोकन रहेगा आपका, इसको छोड़ देना, आपको कुछ नहीं करना है। और यहाँ पे लूना की जगह आपको USDT करना है, क्या करना है, USDT करना है, USDT कर लो, फिर मैक्स पर टैप करना। ठीक है, यहाँ पे जो मेरे ट्रस्ट वॉलेट में जो मैंने $3 किया था, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पे ट्रस्ट वॉलेट में मैंने $3 जो मंगाया था, यहाँ पर देखो आ गया ना 3.32, यहाँ दोनों का वॉलेट कनेक्ट हो गया, आपका काम हो गया, वॉलेट कनेक्ट हो। अब देखो इसका एड्रेस किसका डालना, एड्रेस किसका डालना, यहाँ पर अपना ये स्टेशन ऐप खोलना, स्टेशन ऐप खोलोगे जैसे आपका ये खुल जाएगा, जैसे ये खुल जाएगा, खुलने के बाद आपका यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पे आपका एड्रेस होगा। ठीक है, अभी आप देख लो यहाँ पे $52 है मेरा पहले से, इसका एड्रेस होगा, आप कॉपी कर लेना, मैं अपना कॉपी कर लेता हूँ एड्रेस। ठीक है, एड्रेस कॉपी करने के बाद यहाँ पे आना और यही एड्रेस आपको यहाँ पे डाल देना है। ठीक है, यहाँ पे जैसे एड्रेस ये डाल दोगे उसके बाद नेक्स्ट पे टाइप करना, नेक्स्ट पे टाइप करोगे फिर यहाँ पे कंफर्म पे टाइप करना, जब कंफर्म पे टाइप करोगे तो आपके मेटामास्क में ऑटोमेटिक ये चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको ये मेटामास्क में चला जाएगा, यहाँ आपको कुछ फी देना होगा, कंफर्म करना होगा। ठीक है, यहाँ अभी आया नहीं है, वेट कर लो, जब आएगा मैं आपको बताता हूँ। तो मेटामास्क में अपना खोल लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आपको कंफर्मेशन आएगा, मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ देखो कंफर्मेशन आ गया, कंफर्म पे टाइप करना, कंफर्म पे टाइप करने के ऊपर वापस आप यहाँ पे आ जाओ। ठीक है, जैसे कंफर्म पे टाइप करो आपको यहाँ पे ऑटोमेटिक USDT कट जाएगा और आपका USDT आ जाएगा। आप देखो आइए चलते हैं मेन अकाउंट में, अपना ऐप में देख लो तो मेरी USDT कितना आया है स्टेशन ऐप में, इसको रिफ्रेश कर लेते हैं, ये $52 था, अभी देखते हैं कितना हुआ, रिफ्रेश कर लेते हैं, तभी आया नहीं है, वेट कर लेते हैं।
या एक और कन्फर्मेशन आया, देखो यहाँ पे कन्फर्मेशन पर टैप करते हैं। तो अभी जितना बार कन्फर्मेशन आएगा कन्फर्म आपको करके पेमेंट करना पड़ेगा। यहाँ पे देखो अभी वेट हो रहा है, या मैं पासवर्ड खोल लेता हूँ अपना। तो यहाँ पर देखो गाइस, जैसे मैंने कन्फर्म कर दिया, तो यहाँ पर मेरा 52 था, अब 56 हो गया, ठीक है, 3 कुछ समथिंग था, ठीक है, USD। अब यहाँ पर मैं देखो, आप यहाँ पर देख ही सकते हो अभी के टाइम पे, यहाँ पर लिखिए देखो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पर 3.37 मेरे पास आ गया USD। अब देखो क्या करना, ये सिंपल तरीका था। अगर आप चाहते हो कि ये सब लफड़ा ना करने का, तो आप एक काम करना, डायरेक्ट बाय करना चाहते हो अगर आप पैसा वाले हो, तो कोकोइन पर जाओ, कोकोइन से डायरेक्ट आप इसका एड्रेस डालना, डायरेक्ट आप भेज सकते हो, ये डायरेक्ट वाला फंड है। और आप चाहते हो कि $3 का फी बचाना, ₹180 का फी बचाना, तो आप ये वाला मेथड कर सकते हो, ₹22 का बस फी लगेगा, ठीक है, ये वाला मेथड। नहीं समझ में आए वीडियो बाय करके देख लेना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आप आ जाओगे, ये सब बाय करने का प्रोसेस मैंने बता दिया कैसे USD बाय करना है। अब यहाँ पे आओगे, यहाँ ऐप में आ जाना, ये वाला पॉलीकॉन वाला, इसको रिफ्रेश कर लेते, ये ऑफलाइन हो गया है। तो जैसे यहाँ पे आओगे रिफ्रेश करने दो, तो आपको यहाँ पे ऐसा ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। अब जैसे आप USD बाय वाई कर लोगे सारा चीज़, अब यहाँ पे नीचे आना, यहाँ पर ट्रेड माइन करके आएगा, ठीक है, ट्रेड माइन। तो आपको पहले बाय करना होगा, फिर उसके बाद सेल करना होगा, ठीक है। अब देखो करना क्या है, यहाँ पे आपके पास यहाँ पे USD होगा, आपको कितना बाय करना है USD। तो एक USD की वैल्यू 70 से 74 रुपये के बीच में, आपको मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, बस 3 USD, 3 या 3 के नीचे या 3 ही तक, 3 का लिमिट है, ठीक है। आपको ऊपर कोई लिमिट नहीं है, पर आपको ऊपर है। आप इसमें कोई कंपनी नहीं बोला है कि आप $1 लगाओ तभी आपका माइनिंग होगा, आप $1000 लगाओ तभी आपका माइनिंग, उससे कोई मतलब नहीं है। आप बाय माइन पर टाइप करना, ठीक है, यही मेन फंड है, आपको USD रखना पड़ेगा। उसके बाद कन्फर्मेशन आपका स्टार्ट ऐप में आएगा, ठीक है। ये तो बस एक फर्स्ट वाला एयर ड्रॉप, इसके फर्स्ट का जो सेकंड है वो भी इंपॉर्टेंट है। अब रेडी टू कनेक्ट होगा, यहाँ पर साइन पे टाइप करना, और यहाँ पे पासवर्ड मैं डाल लेता हूँ। जैसे यहाँ पासवर्ड डालेंगे, यहाँ पर ऑटोमेटिक मेरा ये हो जाएगा, और उसके बाद मैं अपना वापस आ जाऊँगा वहाँ पे। देखो मेन जो प्रॉब्लम है आपको वो USD बाय करना, मैं सारा अच्छे से फंडामेंट करके बता दिया। फिर कंटिन्यू पर टाइप करते हैं, यहाँ पर मेरा USD कट गया, देखो यहाँ पर USD कट गया, $3 का USD कट गया। कटने के बाद यहाँ पर आएंगे, और यहाँ पर मेरा ऑटोमेटिक ये बाय हो गया, ठीक है। जब बाय हो गया, मेरा माइन बाय हो गया। अब देखते हैं यहाँ पर सेल पर टाइप करके मेरा माइन आया कि नहीं आया अभी तक। तो अभी आया नहीं है, वहाँ पर वेट कर लेते हैं, रिफ्रेश इसको कर लेते हैं, पेज को मैंने रिफ्रेश किया, सेल पर टाइप किया था, यहाँ पर मेरा 15 माइन करके आएगा। अब देखो क्या करना है, आप यहाँ पे आप बैक आ जाना, हल्का बैक आना, ठीक है। जब बैक आ जाओगे, एक और बैक आ जाना, ठीक है, एक और मैं बैक आ जाता हूँ, ठीक है। बैक आने के बाद आपको यहाँ पर स्टेक और अनस्टेक का ऑप्शन आएगा, इस पर टाइप करना है स्टेक पे, और जितना आपको यहाँ पर दिखेगा 15 माइन आपने जितना बाय किया आपके ऊपर है। यहाँ पे मैं 15 माइन का ऑप्शन आ रहा था, 15 ठीक है, 0.651851, ठीक है। स्टेक माइन पर टाइप कर देते हैं, और उसके बाद फिर से मुझे कन्फर्मेशन के लिए भेजेगा, यहाँ पर मुझे इस ऐप में भेजेगा, यहाँ फिर से पासवर्ड डाल लेता हूँ। तो यहाँ पर मेरा फी कट गया, और फी कटने के बाद वापस मैं अपने ऐप में आ जाता हूँ, यहाँ पे ऐप में आ गया, और यहाँ से मेरा फी कट जाएगा और स्टेक पे लग जाएगा। और एक और मैं इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ कि अगर आप USD बाय करोगे ना, तो कम से कम USD आप कम से कम $3 का बाय करोगे, तो आपको $2 का स्टेक पे लगाना और $1 का USD रखना है अपने पास, ताकि फी वो कटे तो उसमें देने के लिए। अब ये नहीं कि $3 का बाय किया, $3 का स्टेक कर देना, कम से कम $1 का बचा कर रखना, ठीक है। यहाँ पर मेरा स्टेकिंग लग गया। अब लगने के बाद यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर मेरा स्टेकिंग चालू हो गया होगा। अब यहाँ पर जैसे आपका स्टेक लग गया, आप इसको छोड़ दो, आपको कुछ नहीं करना। यहाँ पर आपको API देखेगा 3.48। अब जो भी अपडेट आएगा मैं आपको अपडेट अगले नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो या नेक्स्ट टेलीग्राम पर अपडेट दे दूंगा। अब यहाँ पर जैसे आप आओगे, आपके यहाँ पे स्टेकिंग तो लग गया, यहाँ पर देखो आपको फंड भी दिख रहा होगा, ठीक है। इसका मैं एक स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर स्टेक कर सकते हो, सारा फंडामेंटल मैंने आपको समझा दिया। अब इसी में एक और है लूट, फर्स्ट का सेकंड लूट, आइए चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो फर्स्ट का सेकंड लूट में क्या करना, इसी में है। आप स्टेरा ऐप तो आपके पास होगा ही, यहाँ पर USD पहले मंगा लेना। आपको कम से कम गाइज USD मंगा कर रखो, कम से कम $10 से $20 का इसमें USD मंगा कर रखो। USD मंगा कर रखोगे, उसके बाद देखो USD आपके पास होगा, मेरे पास $52 का USD है, ठीक है। अब देखो स्वैप पे आते हैं, स्वैप पे आने के बाद मैं आपको पहले स्टेकिंग दिखाते हैं। स्टेकिंग का आजकल बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है, पोजीशन हो चाहे फंड हो चाहे स्टार्टेरा हो, इसमें 2-3 यहाँ पे बहुत सारे स्टेक पे लगाने का ऑप्शन आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे नया स्टेक पे लगाने का एक ऑप्शन आया, जो कि मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो आप ऊपर करोगे, मैं आपको दिखाता हूँ, एक मिनट। जैसे आपको गाइस यहाँ पे 70 नंबर पे आपको देखोगे, ठीक है, 70 नंबर पर दिखेगा,
जो कि नेपट्टून करके होगा, ठीक है। यहाँ पर देखो नेपट्टून फाइनेंस करके होगा, नेपट्टून फाइनेंस करके इस पर ओपन करना और यहाँ पर आपको स्टेक करना होगा, ठीक है। अब इसके अगर आप इस पर स्टेक करो तभी आपको एयर ड्रॉप का फायदा मिलेगा। एयर ड्रॉप जो आएगा वो आप करोगे, उससे आपको ये जो भी टोकन मिलेगा वो आपको होल्ड रखोगे, उससे आपको प्रॉफिट हो। जैसे मैंने अगला वीडियो में बताया था जो कि स्टार टेरा का लूट था, उसमें भी यही काम करना था। अगर इसको आप मिस करो तो बाद में पछता होगा, बहुत लोग एयर ड्रॉप को हल्के में लेते। अब देखो करना क्या है, इसको स्टेक करने के लिए आपको कम से कम आपके वॉलेट में कम से कम यार 20-30 USD बाय कर लेना। मैंने प्रोसेस बताया, आप वीडियो को बैक करके देख लेना, ठीक है। आप आना यहाँ स्वैप पे आना, जब यहाँ बाय कर लोगे आपके ये टेरा स्टेशन वॉलेट में आपका USD आ जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर थोड़ा नेट स्लो है ऐसे आ जाओ यहाँ पे अपना। आपको पहले ऊपर में डालना होगा USD, नीचे में डालना होगा लूना, ठीक है। तो आपको यहाँ पे नेक्स्ट पर टैप करना होगा। अब देखो कितना का बाय करना है, यहाँ पे आपको मेरे पास $50 का USD है, ठीक है। तो मैं 50 नहीं, मैं कम से कम 48 डालता हूँ, ठीक है। काहे कि मुझे अभी आगे में फी भी देना होगा, आगे में स्वैप भी करना होगा, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट पर टैप करता हूँ, इतना ही डॉलर का मैं बाय कर लेता हूँ 48 का, और यहाँ पर कन्फर्म पर टैप करते हैं। और यहाँ पे कितना फी कटेगा आप ये भी देख लेना, उसके हिसाब से आप बाय करना, ठीक है। तो मैं स्वैप कर लेता हूँ पहले, यहाँ पे मेरा स्वैप हो गया। स्वैप होने के बाद यहाँ पे मेरा स्वैप हो जाएगा, उसके बाद ओके पे टैप करना। अब देखो वॉलेट में आपको यहाँ पर लूना मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर लूना मिलेगा ना 1.31। अब देखो क्या करना है, स्टेकिंग पे आना है। स्टेकिंग पे आने के बाद यहाँ पे आप स्टेक पे लगा देना, 17 नंबर पे आना, ठीक है। 17 नंबर पे आना, ये सेकंड लूट में देखो क्या करना है, 17 नंबर पे आना। और यहाँ पर डिलीगेट होता है, डिलीगेट मतलब स्टेक, रिलीगेट मतलब अनस्टेक। डिलीगेट पे टैप करना, और यहाँ टैप करने के बाद आपको यहाँ पर दिखेगा, ठीक है, 1.31। आप पूरा लगा देना 1.31.9260, ये मेरा है, आपका अपना होगा, अलग होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट पर टैप करते हैं, फिर उसके बाद यहाँ पर कन्फर्म पे आपको फी कटेगा। इसलिए मैं बोला हूँ आपको USD बाय करके रखना, ताकि आपको दिक्कत ना हो। मैं अपना पासवर्ड डाल लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे पासवर्ड डालिए, फिर डिलीगेट पे टैप करते हैं, और आपका यह स्टेकिंग हो जाएगा। यहाँ पे स्टेक करने का फायदा मैं बता देता हूँ। पहला फायदा कि आपको इनका कहना है कि आपको लूना स्टेक करना है, आपको डिलीगेट में स्टेक करना है। और यहाँ पे अगर स्टेक करोगे तो अक्टूबर के मंथ में इनका प्रोजेक्ट आने वाला है, ठीक है। जो भी एयरड्रॉप आने वाला है आप उसको एयरड्रॉप कर दोगे तभी आपको यहाँ पे फायदा होगा। अब देखो आपको यहाँ पे स्टेकिंग भी हो रहा है और आपका वो टोकन इंक्रीज भी होगा, ठीक है, दो फायदा होगा, ठीक है। इसलिए मैंने आपको ये बाय करके प्रोसेस बता दिया। ये सेकंड लूट है, जो फर्स्ट लूट मैंने बताया जो कि माइनिंग करने वाला, उस लूट को मिस मत करना, ठीक है। अब आइए चलते हैं थर्ड लूट की तरफ। थर्ड लूट में क्या करना है, यहाँ पर थर्ड लूट में आपको क्या करना है, थर्ड लूट में आपको बस प्रिपेयर हो जाना है, और आपको कम से कम सोल वोल रखना होगा, ठीक है। अब देखो क्या है, सोल कार की तरफ से रात के आज कम से कम 1:30 बजे, ठीक है, यहाँ पर देखो 8:30 मतलब UTC है, ठीक है। मतलब कि आपको रात के 1:30 बजे अगर आप जगोगे तो आप बाइक कर लेना, ठीक है। मैं आपको अपडेट कर दूंगा चैनल पे। आप लोगों को करना क्या है, ये स्निक NFT जैसे आया था रात के 3:30 बजे, वैसे ही रात के 1:30 बजे स्निक वाला ये सोल कार की तरफ से NFT आएगा। आप लोगों को करना क्या है, आपको बस जगे रहना है, ठीक है। ये कम से कम कितने लोगों को देंगे ये भी आप देख लो, यहाँ पर दिख रहा है कि 10,000 फ्री NFT, 10,000 फ्री NFT ये देंगे अपने तरफ से। और कम से कम आपको फी के लिए कम से कम $2-3 का सोल बाय करके रखना, बहुत पहले लोगों के बाद पहले से सोल होगा, बाय करके रखना। थर्ड लूट में बस यही आपको मैं लिंक दे दूंगा, आपको कुछ करना नहीं है, ठीक है। वहाँ पर जैसे 1:30 बजे का मैं आपको लिंक दूंगा, वहाँ से कनेक्ट हो जाना। कनेक्ट होने के बाद आपको वहाँ पर बस बाय करना है, जैसे आपने उस टाइम बाय किया था स्निक NFT वैसे ही। अभी कम से कम इसका प्रॉफिट जानते हो कितना होगा, 3-5 सोल बाय कर सकते हो नॉर्मल वाला, जो रेयर होगा उसका तो बात ही अलग है। अब यहाँ पर इनका डिस्कॉर्ड ग्रुप है, डिस्कॉर्ड ग्रुप में ज्वाइन हो जाना। डिस्कॉर्ड ग्रुप में ज्वाइन हो जाओगे तो यहाँ पर आप देखोगे इनका डिस्कॉर्ड ग्रुप होगा, इन पर एक्टिव रहना। ये अनाउंसमेंट को कुछ कुछ डालते रहते हैं ताकि आपको वहाँ पर इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। अभी ज़्यादा लोग कनेक्टेड नहीं है, बस 800 लोग कनेक्टेड है, आपको आराम से बाय हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जैसे आप ज्वाइन हो जाओगे वेरिफिकेशन होगा, इसको टैप करोगे वेरिफिकेशन आपका ऑन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जो भी अनाउंसमेंट आप यहाँ पर आकर इनका पढ़ सकते हो, जो भी अपडेट है मैं आपको बताते जाऊँगा, ठीक है। यहाँ पर सोल कार NFT है, ठीक है, 1:30 बजे के रात में आएगा, मैं आपको अपडेट कर दूंगा 3 घंटे पहले। तो बस इस वीडियो में बस 3 ही लूट था जो कि मैं बता दिया। पहला लूट जो है ना उसको मिस मत करना। जो लोग सोल स्टार्टर वाला लूट मिस कर दिए तो फर्स्ट लूट तो मिस मत करना, सेकंड भी बहुत इंपॉर्टेंट लूट है, और थर्ड तो है ही इंपॉर्टेंट। इसलिए मैं तीनों इंपॉर्टेंट लूट मैं आपको कवर करके दे दिया हूँ, उसको मिस नहीं करना। कैसे बैक करना, क्या करना, सारा प्रोसेस मैंने इस वीडियो में दे दिया, आप वीडियो बैक करके भी देख सकते हो।